नमस्कार। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपिका रेंगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जबलपुर से आ रही है, जहां पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। विजयवर्गीय ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया नौटंकी। कांग्रेस ने ही तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा था। जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, और इसी पर ही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है विजयवर्गीय ने, और कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा था। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया बढ़ती महंगाई को लेकर, इसे महज नौटंकी करार दिया गया कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से। तो पेट्रोल डीजल की दाम लगातार बढ़ती जा रही है, शतक पार कर चुका है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। हाँ जी, आज मध्य प्रदेश ओलंपिक एशियन के एक औपचारिक चुनाव है, उसमें मैं भी एक मतदाता हूँ उसी से आया। देखिए, कांग्रेस पहले ये सिद्ध करे कि उनके कार्यकाल में कभी महंगाई नहीं बढ़ी, उसके बाद उनको अधिकार है कि वे आंदोलन करें। क्या उनके कार्यकाल में महंगाई कभी नहीं बढ़ी थी? और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव बढ़ने का विषय है, उसी में तेल के भाव भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारे नियम कांग्रेस के जमाने में